Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. This is your computer class, and I am your computer teacher, Subina Ma'am. Today, we are going to begin a new topic exploring Windows. This is chapter number four of term first, and this is the part first of the video. So, students, let's begin. तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में विंडोज़ को एक्सप्लोर करेंगे हम देखेंगे फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं हम उनको वेव कैसे कर सकते हैं कैसे हम फाइल्स या फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल का क्या फंक्शन होता है रिसाइकल बिन क्या करता है और बाकी शॉर्टकट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले फ़ाइल फ़ाइल एक ऐसा आइटम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है इसमें ये टेक्स्ट फाइल हो सकती है इमेज फाइल हो सकती है, है म्यूज़िक वगैरह हो सकता है चाहे वो ऑडियो हो वीडियो हो तो फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हर एक फ़ाइल का अपना अपना एक आइकन होता है और आइकन देख के ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इस फाइल में किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर है क्या ये टेक्स्ट फाइल है इमेज फाइल है म्यूज़िक फ़ाइल है क्या फाइल ये है ठीक है और और ये फ़ाइल किस प्रोग्राम में ओपन होगी वो हम फाइल का आइकन देख के ही पता कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये है हमारा डेस्कटॉप Uh, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको डिफरेंट आइकम्स दिखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे है डिफरेंट प्रोग्राम्स है या डिफ़रेंट फोल्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे तो सबसे पहले अगर हम फाइल की बात करें तो फ़ाइल जैसे हमने देखा फ़ाइल में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और जो भी यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये फाइल है डिटेल्स की फ़ाइल है इंग्लिश वन टू थ्री फ़ाइल है यहाँ पे जहांगीर अकाउंट एक और फ़ाइल यहाँ पे आपको मिलेंगी और यहाँ पे स्लीप अवे एक और फ़ाइल है तो आप देखेंगे इन सब फाइल्स का जो आइकन है वो डिफरेंट है ये सिंपल टेक्स्ट फाइल यहां पे है नोट पैड फाइल है यहां पे आप देखेंगे दिस इज़ वर्ड फाइल ब्लू आइकन डब्ल्यू यहां पे है तो यहां पे आपकी एक्सेल की फाइल दिखेगी और ये आपके पास म्यूजिक फाइल यहां पे है तो फाइल की पिक्चर देख के ही फाइल का आइकन देख के ही हम पता कर सकते हैं कि इस फाइल में किस टाइप का डेटा स्टोर है तो जहाँ तक कि हम फाइल की बात जहां तक है वहाँ पे हम देखेंगे कि आप यहाँ पे हर एक फाइल का अपना अपना एक नाम है तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हर एक फाइल का अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है और फाइल नेम के दो पार्ट्स होते हैं एक तो प्राइमरी नेम हर एक फाइल का अपना नाम होता है और अपना एक्सटेंशन होता है नाम से ये फाइल आइडेंटिफाई होती है और एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई होता है ये फाइल किस टाइप की है किस फॉर्मेट में ये फाइल है वो हम एक्सटेंशन को देख के पता कर सकते हैं तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फाइल है अगर मैं इस फाइल का नाम देखूँ दैट इज़ इंग्लिश वन टू थ्री यहाँ पे फाइल है इसका नाम डिटेल है यहाँ पे फाइल है स्लीप अवे यहाँ पे फाइल है जहांगीर अकाउंट तो ये डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे है और इन फा, ये फाइल्स अलग अलग प्रोग्राम्स से रिलेटेड है अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर है इस वजह इसलिए आप देखोगे इन सब का आइकन डिफरेंट है तो मुझे देखना है जैसे ये वर्ड की फाइल है वर्ड की फाइल आपके पास हमेशा उसका एक्सटेंशन Doc ही होता है .docs होता है, तो अगर हम देखें इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है आप डायरेक्ट फाइल पे राइट क्लिक करें आप प्रॉपर्टीज़ में जाए आप यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फाइल आपको दिखेगा यहाँ पे डॉक्स आता है दैट मीन्स इससे हमें पता चलता है ये वर्ड फाइल है सिमिलरली मैं यहाँ पे फ़ाइल देखूँगी एक्सेल की फ़ाइल है आप प्रॉपर्टीज़ में भी अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ पे डॉट एक्स एल एक्स यहाँ पर इसका आ जाता है एक्सटेंशन तो इसका अलग एक्सटेंशन है तो यहाँ पे आप इस फ़ाइल पे क्लिक करें तो हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे डॉट एम पी थ्री दैट मीन्स ये ऑडियो फाइल यहाँ पे है तो हर एक फ़ाइल का आपको अलग अलग एक्सटेंशन दिखेगा तो यहाँ पे आप देखें तो दैट मीन्स इनमें अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर है तो ये आपको सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आपको मिलेगी ठीक है तो अब हम देखेंगे अगर मेरे पास ये फाइल है अब मुझे फाइल को रिनेम करना है तो मैं इस फाइल को कैसे रिनेम करूंगी इसका नाम मुझे चेंज करना है सिंपली आप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे कोई भी फाइल हो आपको रिनेम का ऑप्शन आएगा आप यहाँ पे इस फाइल को रिनेम कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम लिखूंगी इंग्लिश नोट्स इंग्लिश नोट्स मैंने इस फाइल का नाम रख दिया तो साइड पे आपको क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो गया तो सिंपल राइट क्लिक करके आप रिनेम ऑप्शन पे जाके फाइल का नाम चेंज कर सकते हो लेकिन फ़ाइल का नाम जब आप चेंज करेंगे आपको ध्यान रखना है कि फ़ाइल का नाम आप अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज़ नहीं होगा जैसे मैं यहाँ पर फाइल को फिर से रिनेम करती हूँ मैं लिखूँगी फ़ाइल का नाम इंग्लिश फिर मैं एस्ट्रिक साइन करूँगी यूज़ देखिए मुझे नहीं आया यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ मैं फाइल को स्ट्रिक मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करूँ मेरे पास मैसेज आया फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स तो यहाँ पे आप कोई भी इनमें से कोई भी कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप फ़ाइल को फ़ाइल का नाम रखने में यूज़ नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर अलाउड नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ और अगर मैं नंबर्स यूज़ करूँ क्योंकि नंबर्स अलाउड है मैं इंग्लिश वन टू थ्री रख देती हूँ नाम तो मैंने साइड पर क्लिक किया तो फाइल का नाम चेंज हो गया तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को चेंज कर सकते हो उसका नाम चेंज कर सकते हो तो यहाँ पे अब मैं आप देखिए मैं अब मैं हर एक फाइल की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है तो मैं फाइल की प्रॉपर्टीज़ भी देख सकती हूँ राइट क्लिक जाके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे यहाँ पे आपको फाइल का अपना एक नेम दिखेगा यहाँ पे दिखेगा टाइप ऑफ फाइल किस टाइप की फाइल है डॉक्स फाइल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई है फाइल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में फाइल ओपन होगी और कभी हमें पता नहीं होता है फाइल कहाँ पर लोकेट है तो फ़ाइल पे आप राइट क्लिक करके ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे है सी यूजर्स फिर डेस्कटॉप पीसी और डेस्कटॉप फोल्डर में आपके पास इस फाइल की लोकेशन यहाँ पे है और फाइल का यहाँ पे साइज़ भी है थर्टीन पॉइंट फोर के भी यहाँ पर आप साइज़ ऑन डिस्क सिक्सटीन के भी यहाँ पर आपको इसका साइज़ भी दिखेगा ये फ़ाइल कब बनी है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कब मॉडिफाई हुई है रिसेंटली वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये लास्ट एक्सेस कब हुई है वो इंफॉमेशन सब कुछ आपको किसी भी फाइल के बारे में जानना होगा आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फ़ाइल को आपको डिलीट करना होगा फाइल पे आप क्लिक करके कीबोर्ड पे आप डिलीट की प्रेस कर सकते हैं तो आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी या यहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा अगर आपको फ़ाइल को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप येस पे करेंगे जैसे मैंने कर दिया मेरी फाइल डिलीट हो गई तो यहाँ पे तो इस तरीके से हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हम देखेंगे देखिए ये एक, औ, एक और फाइल यहाँ पे है ये आ, पिक्चर फ़ाइल है तो इस पिक्चर फाइल की भी अलग ही अपनी प्रॉपर्टी होगी ठीक है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूँगी तो देखिए इस फ़ाइल इसका एक्सटेंशन क्या है डॉट जे तो ये जे फाइल है दैट मीज़ ए पिक्चर फ़ाइल है तो इस तरीके से आप फाइल की प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह डिलीट वग़ैरह फाइल्स को कर सकते हो तो उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे ये येलो कलर के आइकन्स आपको दिख रहे हैं दीज आर द फोल्डर्स इनको हम फोल्डर्स बोलते हैं फोल्डर क्या होता है फ़ोल्डर एक कंटेनर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें हम फाइल स्टोर रख सकते हैं या इवन हम फोल्डर के अंदर फोल्डर्स भी स्टोर रख सकते हैं जब हम फोल्डर के अंदर फोल्डर स्टोर करते हैं उसको हम सब फ़ोल्डर बोलते हैं तो जितनी मर्ज़ी फाइल्स आप एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर रख सकते हो जितनी मर्जी आप फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पर स्टोर रख सकते हो उसमें कोई लिमिट नहीं है ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी कितनी है जैसे मैं मुझे नया फोल्डर बनाना है जहाँ पे भी नया फोल्डर बनाना है राइट right क्लिक करो न्यू पे कर दो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन पे आप जाओ आप नया फोल्डर बनाओ यहाँ पे आप इसका नाम कुछ रख दो तो मैं फोल्डर का नाम यहाँ पे रख दूँगी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का नाम रखा तो इस तरीके से मैंने फोल्डर का नाम डॉक्यूमेंट्स रख दिया साइड पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया ठीक है तो आप देखेंगे दिस फोल्डर इज़ एम अभी इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है इस फोल्डर के अंदर आप मैं ये फ़ाइल ले जाती हूँ तो मैंने इस फोल्डर के अंदर स्टोर करी ये दूसरी फ़ाइल ली ये भी यहाँ पर स्टोर कर दी ये भी यहाँ पर मूव कर दी मैंने देखिए आप इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में आपके पास तीन फाइल्स यहाँ पर आ गई तो मैं यहाँ पर क्लोज करूँगी इवन मैं फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर भी स्टोर कर सकती हूँ मैं ये आइकन लेके ये माई डा, 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 डाटा का फोल्डर मैंने इसके अंदर डाला अब आप, आप देखो फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर क्रिएट किया इसको हम सब फोल्डर बोलते हैं और इस फोल्ड माई डेटा के अंदर भी आपको अलग अलग यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं तो इस तरीके से आप फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हो फोल्डर्स की भी प्रॉपर्टी आपको देखनी है तो आप सीधे यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे राइट right क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा फोल्डर का नाम क्या है फोल्डर किस लोकेशन पे स्टोर है फोल्डर का साइज़ कितना है देखिए 3.02 पॉइंट है फोल्डर का साइज़ तो यहाँ पे भी आपको क्रिएट कब हो गए फोल्डर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फोल्डर को भी आप वैसे ही रिनेम कर सकते हो जैसे मैंने आपको फाइल्स के लिए कहा जो भी आपको यहाँ पर नाम रखना है मैं रखूँगी इम्पोर्टेंट फ़ायल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने इस फोल्डर का नाम चेंज किया मैंने इसका इम्पोटेंट डॉक्यूमेंट्स रख दिया हो गया फ़ोल्डर चेंज फोल्डर नहीं चाहिए ओ या कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करो वरना आप इस पर राइट क्लिक करो कर दो आप इसको डिलीट कर सकते हो आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फ़ाइल्स रिसाइकल बिन येस तो इस तरीके से आप अपने फ़ोल्डर्स वग़ैरह के साथ काम कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़